सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांवड़ियों की सुविधाओं से लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं तक की तैयारियों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP हेमंत कोटियाल, SP सिटी अखिलेश भदौड़िया ने कांवड़ रूटों का पैंडल साइकिल के द्वारा निरीक्षण किया। पैंडल साइकिल के द्वारा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान कांवड़ियों की सुविधाओं हेतु ग्रामीणों से संवाद भी किया गया। बता दें कि बुधवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल एवं SP सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा पैंडल साइकिल से कांवर रूट PSC तराहा से अगवानपुर बाईपास, सराय खजूर, संदलीपुर होते हुए कांट तक का निरीक्षण किया गया तथा कांवड़ियों की सुविधा हेतु ग्रामवासियों से संवाद भी किया गया। निरीक्षण के विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से यहां आते हैं और इसी तरह से जो अंतिम सावन का सोमवार होता है उसमें ब्रजघाट से काफी संख्या में कांवड़िए इधर आते हैं। तो इसको देखते हुए आज हम लोगों ने कांट पर अगवानपुर से कांट तक पूरे रूट को देखा और जगह जगह जो हमें व्यवस्था की जानी है उसको लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि बीच में कोविड के चलते कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, इस बार की जो कांवड़ यात्रा हो उसमें कांवड़ियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज ये भ्रमण किया गया है और आगे हम शहर के अंदर के विभिन्न जो कांवड़ के मार्ग हैं उस पर भी भ्रमण करेंगे। उन्होंने आगे कहा, और ये भ्रमण साइकिल से इसलिए किया गया है ताकि पूरे एरिया की जानकारी हो जाए और वहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत भी कर ली जाए। तो लोगों से बातचीत भी की गई है और हम लोगों ने उस पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सर, सावन माह शुरू होने वाला, उसके मद्देनजर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और आज आपने रूट भी चेक किया तो क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से यहाँ आते हैं और इसी तरह से जो अंतिम सावन का सोमवार होता है उसमें ब्रजघाट से काफ़ी कांवड़िए इधर आते हैं। तो इसको देखते हुए आज हम लोगों ने कांट रूट पर अगवानपुर से कांट तक पूरे रूट को देखा और जगह जगह जो भी व्यवस्था हमें की जानी है उसके लिए संबंधित लोग हम लोग निर्देश दे रहे हैं। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो चूँकि कोविड के चलते बीच में कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी तो इस बार की जो कांवड़ यात्रा हो उसमें कांवड़ियों की इस तरह की असुविधा न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज भ्रमण किया गया है। अभी आगे हम लोग जल्दी ही शहर के अंदर का जो जितने कांवड़ के मार्ग उस पर भ्रमण करेंगे और ये भ्रमण साइकिल से इसलिए किया गया था कि पूरे एरिया की सही से जानकारी हो जाए और वहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत भी कर ली जाए। तो लोगों से बातचीत भी की गई है और हम लोगों ने उसकी तैयारियाँ सुनी।